हम साइड में अपना ड्यूटी नहीं करेंगे, थोड़ा साइड हो जाएगा, ठीक है आगे चले जाइए, मैं बिल्कुल मिला अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद भूमि माफिया बन जाए तो उससे बचने के लिए जनता को आने वाले समय में हटाना पड़ेगा। एक मुस्लिम नेता भरपाई करेंगे सब। आजम खान साहब आप भूल चुके हैं, आजम खान साहब के लिए जो समाजवादी पार्टी कर सकती है वो कर रही है और लगातार करती रहेगी। सर क्या लगता है उनकी मदद करेगी? देश भावना के खिलाफ, देश भावना के तहत उन पर मुकदमे लगाए गए, क्या लगता है सर आजम खान साहब के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर पत्रकार भी सच बोल दें तो उनपे भी मुकदमे हो जाते हैं, पत्रकार अगर सच लिख दें तो उन्हें भी जेल भेज देते हैं। तो आने वाले समय में जितने भी झूठे मुकदमे गरीब जनता पे लगे हैं, गरीब जनता पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे उन सब का हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही, जिस तरह की नाराजगी है, आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। आज सिलेंडर के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जो सिलेंडर सस्ता था कितना महंगा उसका जवाब नहीं है। खाद महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई, आज महंगाई का जवाब नहीं है और पूरा कारोबार उद्योग बर्बाद हो गया। हम तो देखने आए थे कि डिफेंस कॉरिडोर बन गया होगा, वो डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बना है? सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने और गरीब जनता को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। अच्छा उद्योग था, कृषि उद्योग बर्बाद हो चुका है सरकार में, व्यापारी परेशान और तन्हा है, क्या कहेंगे? आने वाले समय में कानून को देखते हुए किस तरीके से सुधार हो सकता है सुधार लाएंगे और जो यहाँ का कारोबार है उसको पुनः उसी तरीके से चलाने का काम होगा। चाचा के साथ जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, उनका भी दल है, उनका भी दल है, सभी क्या कहेंगे? किसको? शिवपाल यादव और ओवैसी की जो मुलाकात हुई है क्या कहेंगे आप? अभी उत्तर प्रदेश में जाने कौन कौन सी मुलाकातें पता लग रही हैं, कुछ पता ही नहीं लग रही है। चाचा साथ में होंगे, जितने भी उत्तर अरे क्योंकि इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, कई जानकारियां आपको नहीं जो मुलाकात हो रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय दल है छोटे बड़े उन सबको साथ लेने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक दल हैं, ठीक है। शर्मा जी के पिताजी का देहांत हुआ, उनके परिवार से मिलने, उनके परिवार के बीच में दुख बांटने के लिए और उनके परिवार से मिल सके इसलिए महोबा में आया था। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ और वहीं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके सहयोगी परिवार को इतनी शक्ति दें जिस जो उनके ना रहने से दुख हुआ उसको सहन कर सके। पूर्वांचल एक्सप्रेस में दरारें पड़ गई, मुझे कई बार महोबा आने का मौका मिला है, सरकार में नहीं थे उस समय भी मैं महोबा में रथ में आया था, या बहुत सारे पुराने साथी जानते होंगे समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा जब चली थी महोबा में पहुंचे थे और उसी समय कहा था महोबा में कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। आज फिर मैं कहता हूँ महोबा की जनता से भी मैं अपील करूँगा कि उन्होंने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के देख लिए हैं और 5 साल में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो भी उनको याद होगा, इसलिए जनता से हमारी अपील है कि आने वाले समय में
एक एक वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दें, और मुझे पूरा भरोसा है कि महोबा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा, और बुंदेलखंड भी पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। एक साल से आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं, व्यापारी उस पर भी आ जाऊंगा। आला उदल की जगह है और कन्नौज से बहुत पुराना रिश्ता है। कन्नौज और महोबा, आला उदल और बुंदेलखंड की आला का संबंध हमारे कन्नौज से बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। जिस समय सरकार थी, जब भी सरकार में महोबा में आने का मौका मिला होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से एम्बुलेंस मिली है। 102 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने दी हैं। पुलिस का जो अब 112 नंबर हो गया, वो 100 नंबर था, डायल 100, वो समाजवादी पार्टी की देन है। महोबा में कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा शहर में, या गांव में कोई एकाधी गांव होगा जहां समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंच गया हो। समाजवादी पेंशन दी थी, और मुझे वो समय याद है जिस समय सूखा पड़ी थी, उस समय मुआवजा भी सबसे ज़्यादा किसानों को समाजवादी सरकार में मिला था। आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या अगर कहीं किसान कर रहा है तो महोबा में कर रहा है। किसानों में अगर हम गिनती करें, किसान की संख्या देखें, तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों ने अगर कहीं की है गरीबी के कारण, उनकी फसल की बर्बादी के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति की खराब होने के कारण, तो महोबा में किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार ने एक रुपये की उन किसानों की मदद नहीं की। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उन किसान परिवारों की मदद भी करेगी, और पुनः जिस तरह विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम हुआ था, मुझे याद है सबसे पहले सोलर प्लांट बिजली बनाने का महोबा में लगा था। अमेरिका और पंजाब के लोग थे जो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने आए थे, वो सोलर प्लांट आज भी चल रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई सोलर प्लांट नहीं लगाया, एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, डायल 100 नहीं बढ़ाई, और जितनी बर्बादी कर सकते थे उत्तर प्रदेश की, उतनी बर्बादी की है। उनका सबसे प्रिय काम, उनका सबसे प्रिय काम, सबसे पहले महोबा, क्या उनका उनका सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है, और सरकार दमदार कह रही है कि हम बहुत दमदार सरकार है, लेकिन इसी दमदार सरकार से पूछिए, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, अभी तक दमदार जो हैं वो सड़कों से नहीं हटा पाए, अन्ना जानवर की समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पाए। और मुझे दुख है इस बात का कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा बाबाओं की हत्या हुई है, साधु संतों की हत्या हुई है। साधु संत जो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। और ये उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा जहाँ पुलिस कप्तान दोषी हो और वो फरार हो और अभी भी सरकार नहीं पकड़ पा रही। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बना पाएगी एक्सप्रेसवे, इन्होंने ये एक्सप्रेसवे नहीं बना पाएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिम्मेदारी है सरकार की कि जुडिशियल इंक्वायरी करें। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, उनसे जांच हो, क्योंकि जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसलिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।